बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन करने लगे हैं जी। एक्सरसाइज है 13.3 और उसका सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर देखें, अ कंज्यूमर लिव्स इन एन आइलैंड विच शी प्रोड्यूसेस टू गुड्स एक्स एंड वाई, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक्स के प्लस वाई के लेस देन 200 एंड शी कंज्यूम्स ऑल गुड्स। यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन देयर एक्स वाई क्यूब एंड शी ऑल्सो फेसेज इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट दैट इज एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कोहन टक्कर कंडीशन एंड सेकेंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड वेदर विच कंस्ट्रेंट इज बाइंडिंग। वी हैव टू टेल अबाउट द क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर, हम सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है। सो यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब दिया हुआ है, और ये कंस्ट्रेंट पहली दी हुई लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू की हो तो ये मैक्सिमम का क्वेश्चन होता है। और हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, सब्जेक्ट टू हमारे पास जी है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू 200, और ये किस चीज़ की है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का की कंस्ट्रेंट है। और हमें पता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की जो कंस्ट्रेंट होती है दैट इज अ लुक्स लाइक अ सर्कल, कि वो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी। सेकंड, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट दी हुई है दैट इज एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20, दैट इज इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट। तो ये मेरे पास उसने दो चीज़ें दी हुई हैं, और फिर हमारे पास एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है, देखिए कोहन टक्कर कंडीशन फाइंड करनी है। अच्छा, इसको करने के लिए सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि हम इसका लंगरेज फंक्शन बनाए। क्या लंगरेज फंक्शन? सो जेड इज इक्वल टू लंगरेज फंक्शन क्या आएगा, एक्स वाई क्यूब प्लस लैम्डा वन इंटू 200 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस लेमडा टू 20 माइनस एक्स माइनस वाई। ये मेरे पास लंगरेज फंक्शन आ गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कोहन टक्कर की कंडीशंस अप्लाई करनी है। मेरे पास वेरिएबल एक्स और वाई है, और पैरामीट्रिक कौन से हैं, लेमडा वन और लेमडा टू। चलें जी, हम सबसे पहले इसके हम क्या करते हैं जी, जी एक्स का हम की इक्वेशन बनाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो वाई क्यूब माइनस, ये एक्स है तो ये 2x इंटू लैम्डा वन आएगा, और इधर ये एक्स वन है तो माइनस लैम्डा टू आ जाएगा। इसी तरह से वाई की कंस्टेंट बनाएगी तो ये आ जाएगा 3xy², ये वाई है सो माइनस 2y λ1, और यहाँ पे वाई वन आएगा तो ये माइनस लैम्डा टू आ जाएगा। अब हम लैम्डा वन के लिए लेंगे जी लैम्डा वन, तो ये आ जाएगा 200 माइनस x² माइनस y², और इसी तरह से लैम्डा टू के लिए मेरे पास आ जाएगा जेड लैम्डा वन लैम्डा टू दैट इज इक्वल टू 20 माइनस x माइनस y। अच्छा जी, अब चूंकि कोहन टक्कर की कंडीशन है तो यहाँ पे ये जो x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लैम्डा वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लैम्डा टू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट, कोहन टक्कर की थर्ड कंडीशन जो होती है, एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वाई जी ऑफ वाई इक्वल टू 0, लैम्डा वन जी लैम्डा वन इक्वल टू 0 और लैम्डा टू जी लैम्डा टू इक्वल टू 0। ले जी, ये मेरा ए पार्ट था जो उसने पूछा हुआ था कि आप कोहन टक्कर कंडीशंस अप्लाई करें। तो हमने कोहन टक्कर कंडीशन जो अप्लाई कर दी है, अब हम इस कंडीशंस के तहत, इस कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे, हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे विद लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू निकालेंगे, और बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के बारे में बताएंगे क्या होती है। ले जी, अब हम बी पार्ट करेंगे, और इस बी पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी एक्स था जो हमारे पास इक्वेशन थी दैट इज वाई क्यूब माइनस 2x λ1 माइनस λ2 इक्वल टू 0।
ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 3xy² -2y λ1 -λ2 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। और 200 -x² -y² = 0 और 20 -x - y = 0, ये मेरे पास चार इक्वेशंस आ गई। ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, ये दिस वन थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। अच्छा, अब ये जो थर्ड और फोर्थ है, थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² + y² = 200 और फोर्थ इक्वेशन क्या आएगी? x + y = 20 आ जाएगी। हाँ जी, अब हम ये इस तरह करते हैं, हम λ2 जो है इसको 0 ले लेते हैं और λ1 जो है वो ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। पहले हम कंडीशन अप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसके कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाइड होती हैं या नहीं होती। तो सबसे पहले हमने λ2 और λ1 ले लिया। अब λ2 जब इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y³ - 2x λ1, ये मेरे पास आ जाएगा =0। सो ये आ जाएगा 2x λ1 = y³, ठीक है। और λ1 मेरे पास आ जाएगा y³/2x। सिमिलरली हम इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन में अपने देखते हैं, λ2 को हम जब 0 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3xy² - 2y λ1 = 0। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 2y λ1 = 3xy² आ जाएगा और λ1 आ जाएगा 3xy² / 2y। सो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2 और x और y आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? y³/2x = ये मेरे पास आ जाएगा 3/2xy, ठीक है। ये 2 से ये हम 2 कैंसिल कर देते हैं तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा? 3x² y = y³। ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, सो y स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 3x², ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ये y स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आ गई जी? 3x². अब हम ये y स्क्वायर की वैल्यू 3x² जो है वो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं जो कि मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशन थी। अब इसके अंदर जब हम पुट करेंगे, देखें ज़रा, ये x² वैसे ही आ गया, y² की जगह मेरे पास आ गया 3x² = 200। तो ये 4x² = 200 आ गया, x² मेरे पास 50 आ गया और x मेरे पास आ गया जी 7.07, ये मेरे पास आ गया जी x की वैल्यू, ठीक है जी। x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अच्छा, अब ये जो x की वैल्यू है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और दोबारा इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इसी में पुट कर देता हूँ, x + y = 20, 7.07 + y = 20। सो y की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 12.25, ये मेरे पास y आ गया। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेरे पास आ गया जी, x* मेरे पास 707 आ गया और y* मेरे पास कितना आ गया? 12.25 आ गया। अब हमने ये करना है कि एक तो हमने इसकी बाइंडिंग कंडीशन बतानी है और एक हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। हाँ जी, अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास इक्वेशन थी x² + y² = 200, जो कि क्या था? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर था और ये था x + y = 20, ठीक है जी। सबसे पहले हम ये जो मेरी कंस्ट्रेंट है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मैं सेकंड कंस्ट्रेंट को करने लगा, ठीक है जी। लेट हम कर लेते हैं, एक्स जो है वो 0 है, सो एक्स 0 करेंगे तो वाई कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। और इसी तरह से जब हम लेट कर लें, वाई 0 ले लें तो एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा? 20। चलें जी, हम डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं।
मेरे पास पॉइंट कितना आ गया, 20 20 आ गया, तो ये मेरे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ गई, दैट इज 20 और 20, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ गई। और ये कंस्ट्रेंट क्या आई है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 या लेस देन इक्वल टू 20। अच्छा जी, नेक्स्ट ये मेरे पास सेकंड कंस्ट्रेंट है, तो अगर हम सेकंड फर्स्ट कंस्ट्रेंट के अंदर एक्स को ज़ीरो कर लें, एक्स को ज़ीरो करें, तो वाई मेरे पास कितना आ जाएगा, वाई मेरे पास आ जाएगा 14.40। और अगर हम लेट वाई को ज़ीरो कर लें तो एक्स मेरे पास आ जाएगा 14.40। अब ये चूंकि फ्रंटियर है, पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो ये कर्व जो हो गया वो क्या होगा, वो इस कंस्ट्रेंट को टच करता हुआ पास कर गुजरेगा, तो ये मेरा सर्कल कुछ मान जाएगा यूं, ये मेरे पास सर्कल आ गया, ये आ गया 14.40 और ये भी मेरे पास 14.40। ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये 0 0 0 है, ठीक हो गया। अब ये जो सर्कल है दैट इज कंस्ट्रेंट किसकी है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन इक्वल टू 200। अच्छा, अब इसके अंदर ये कंस्ट्रेंट वन जो है, जो कंस्ट्रेंट वन है वो बाइंडिंग है, ये क्या है, बाइंडिंग है, ये क्या है, बाइंडिंग है, ये पूछा हुआ उसने कि बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग का बताओ, ये बाइंडिंग है। सेकंड कंस्ट्रेंट जो है वो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के या तो ऑन है यानी कि वो टेंजेंट बना रहा है, या इस फ्रंटियर से अबव है, अबव कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो ये था जी हमारा, उसने जो पूछा था कि इसकी बाइंडिंग कंडीशन बताओ और ग्राफ किस तरह का आएगा, तो ये मेरे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का।